असम पुलिस द्वारा की गई छापामार कार्यवाही को लेकर पूर्व मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह बुंदेला के घर पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह की पत्नी सुषमा सिंह ने अपने पुत्र शाश्वत सिंह सहित कांग्रेस जिला अध्यक्ष नवीन साहू और नगरपालिका उपाध्यक्ष पप्पू मलिक के साथ मिलकर मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि असम पुलिस की कार्यवाही राजनीति से प्रेरित है। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार ने जिला प्रशासन से निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की मांग की। असम पुलिस ने पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह के घर छापा मारा था, जिसमें 63 करोड़ रुपए के फ्रॉड के मामले में उनके बेटे शाश्वत सिंह बुंदेला से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की थी। इसके बाद असम CID टीम शाश्वत सिंह का मोबाइल फोन, आधार कार्ड और पैन कार्ड जब्त कर अपने साथ ले गई थी। पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग कर हमें डराया जा रहा है, लेकिन हम किसी भी कीमत पर डरने वाले नहीं हैं। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। बहुत आवश्यक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ बुलाई गई, उसकी आवश्यकता महसूस मन बहुत दुखी। तब तक आप लोगों से अपनी बात नहीं बोल पाते, हमें लगता है कि हम वास्तव में अपनी बात हमें बोलना चाहिए। आप चूंकि लोकल के सारे प्रेस के साथी रहे हैं, बहुत सारी चीजें आप लोगों को पहले से भी जानकारी है, और कल का जो नाटकीय घटनाक्रम हुआ उस टाइम भी आप सब उपस्थित थे। कांग्रेस पार्टी के हमारे अधिकृत प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह जी, पार्टी के नाम में लिस्ट में उनका नाम आया और वो हमारे प्रत्याशी है। उनके साथ जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी के ये लोग प्रताड़ित भी कर रहे हैं, पीड़ित भी कर रहे हैं, ये पहला मामला नहीं है, ये तीसरा मामला। इसके पहले जब नगर पालिका के चुनाव हुए उस टाइम भी यही आलम था। नगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के इन लोगों ने सीधा 307 का मुकदमा लगाया, झूठा फंसाया। इसके बाद एक और दूसरा मामला हुआ, और अभी ये नाटकीय घटनाक्रम यह हुआ कि कल जिस प्रकार से आसाम की पुलिस आई और परिवार को बिना सूचित किए एक सम्मानित परिवार टीकमगढ़ जिले का जो नेतृत्व करता है, कई बार वो विधायक रहे, पूर्व में मंत्री रहे, उनके परिवार सहित उनके पूरा का पूरा परिवार था, उस परिवार में बिना सूचना दिए आप परिवार के अंदर आ गए, ये नैतिकता है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, इसलिए भी करते हैं कि ठीक है, आप लोगों को अगर डर लग रहा है कि यादवेंद्र सिंह के टिकट होने से अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ हारने वाली है या आप डर रहे हैं, तो अभी आपका टिकट नहीं हुआ डिसाइड, करो कोई अच्छे कैंडिडेट को फिर आप लड़ो। ये मुकदमा और ये सब चीजें और ये गलत अफवाह है, इससे हमारी कांग्रेस पार्टी का माहौल भी खराब हो रहा है और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हताश भी है और दुखी भी। आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, हमारे पास 2-3 बिंदु हैं, अगर इनके पास किसी भी प्रकार का कोई भी सबूत प्रूफ या कुछ भी था तो इनको पहले सूचित भी करना चाहिए, इन्हें बताना भी चाहिए। ये कोई भी ऐसी किताब में नहीं लिखा कि आप बिना सूचना दिए किसी भी सम्मानित परिवार के अंदर तक चले जाएं, ये गलत है और इसके खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी और हमने अपने ऊपर बैठे उच्च नेताओं से बात करी है, हम लोग भी इसमें एक्शन मोड में आएंगे, इस मामले को हम यही छोड़ेंगे नहीं। आपसे विनती है पूरे मीडिया के साथियों से, क्योंकि आपकी नॉलेज में पूरा मामला है। इसमें एक बात हम आपको और बताना चाह रहे हैं कि तब जब यादवेंद्र सिंह जी के नाम का टिकट का चल रहा था, उसी टाइम एक चीज आई कि यादवेंद्र सिंह जी की जगह उनके बेटे शाश्वत सिंह को चुनाव लड़ाया जाए। जैसे ही ये बात सामने आई, जैसे ही इनका नाम ऊपर तक गया, तुरंत ही 13 तारीख को शाश्वत सिंह को किसी मामले में फंसाने की साजिश कर ली गई
और उन्हें इस मामले में जो मुख्य आरोपी है उन तक पुलिस नहीं पहुंची। इसमें एक एक बर्ड आसाम के राज्य के नजदीकी इलाके में जहां आसाम की पुलिस वहां तो पहुंची नहीं और कांग्रेस प्रत्याशी के घर पे आप इतनी दूर आके पहुंचे। इससे ये साफ साफ सिद्ध होता है कि सब भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत से हो रहा है। आप सभी के माध्यम से टीकमगढ़ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से और मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते आपके माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग डरना नहीं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। और इस बौखलाहट के बाद जो हमें फीडबैक मिला, टीकमगढ़ जिले का एक एक कार्यकर्ता अपना मन बना चुका है कि अब हमें टीकमगढ़ जिले में एक भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं चाहिए, तीनों के तीनों विधायक कांग्रेस पार्टी के बनने वाले हैं। ये मैं संदेश आपके माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को देना चाहते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई बात है तो आप कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।